पंप चेंज कर दो, मैंने वीडियो में देखा है, हाइड्रोलिक चेंज कर दो। सबसे पहले मैं एक बार साउंड सुना देता हूँ, जो साउंड है साउंड किस तरह की है फिलहाल। अभी तो कुछ इस तरह अभी साउंड है फिलहाल, और एक बार देखेंगे कि जो हमारे पास जो पंप है, या कहें ऑयल पंप जो ऑयल को सप्लाई ऊपर करता है, वो पंप किस तरह है। यह है एक BS3 गाड़ी, आजकल एक नया अपग्रेड आया है गाड़ी के अंदर जो है BS4 ऑयल पंप। एक बार पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यह है इसके अंदर ऑयल पंप। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका प्राइस कितना है, और एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो ऑयल पंप है कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। एक बार इसको भी खोल देते हैं। अब ये है इसका ऑयल पंप जो BS4 में डालते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी खोल के देखेंगे जो इसके अंदर पंप है, और BS3 के अंदर जो पंप है उसके अंदर क्या चेंज है, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ा दी है। पर एक बार देखेंगे कि इसके अंदर और BS3 के अंदर क्या चेंज है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो अभी ऑयल की सप्लाई है वो कितना तेज़ है, और हम जो BS4 का ऑयल पंप डालेंगे उसे डालने के बाद कितना तेज़ हो जाती है। तो सबसे पहले मेरे को एक बार ये चीज़ खोलनी पड़ेगी, टैंकी खोल लेता हूँ, रॉकर कवर खोल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं अभी जो ऑयल की सप्लाई है वो कितना तेज़ है। तो अभी ये है नॉर्मल, जो अभी हमारा BS3 होता है पंप, इसके अंदर इसके हम BS3 पंप पड़ा है। एक बार अभी स्टार्ट करके देखते हैं कि अभी ऑयल की सप्लाई कितना है। ये हमारी नॉर्मल आइडलिंग स्पीड है, तो यहाँ पे आप ऑयल का फ्लो अभी देख सकते हैं दोनों साइड में जो चल रहे हैं। मैं एक बार आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये हमारा भी नॉर्मल आइडलिंग स्पीड है जो ऑयल की स्पीड होनी चाहिए। तो अभी जो हमारा ऑयल है वो ऑयल आराम से यहाँ तक का फेंक रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम पूरा खोल देते हैं RH कवर इसका, और पूरा है इसके हाइड्रोलिक चेंज कर लें। एक बार मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं, क्योंकि जो जिनकी ये बाइक है उन्होंने कहा है कि इसके मतलब पंप चेंज कर दो, मैंने वीडियो में देखा है, हाइड्रोलिक चेंज कर दो। अब हाइड्रोलिक कितने के होते हैं ये आपको नॉर्मली पता होगा। ये इसके हाइड्रोलिक हैं, दोनों हाइड्रोलिक चेंज कर रहे हैं, और इसके दोनों पैकिंग यूज़ कर रहे हैं जो सिलेंडर के अंदर लगती है। साइलेंसर का पैकिंग हो गया, और ये ऑयल पंप की एक गरारी हो गई, और ये गरारी है 45। तो ये कुछ चीज़ें, अब हमें क्या करना है कि पहले इसको हेड को पूरा खोल देना है। पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने शायद पिछली वीडियो में मिस कर दी होंगी, वो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। पहला हेड के अंदर वो चीज़ें जो मिस करी हैं आपने, दूसरा ऑयल पंप के अंदर, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले मोटा मोटा चीज़ें हम खोल देते हैं कि लाइक हेड निकालना है बाहर, और ये RH कवर खोलना है, ये चीज़ें पूरी बाहर कर देते हैं। देन उसके बाद हम वो पॉइंट आपको दिखाते हैं मेन, कि जिसकी वजह से मतलब आपको मिसगाइड कह सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। मतलब इसके यहाँ से अगर यहाँ की पॉलिसी उतर गई तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए इसको चेंज ही पानी भी चलाने हो गया। Thank you.
ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य कि कभी भी आप अगर मतलब ब्लॉक किट में खोलनी है और पिस्टन नहीं डालना है तो आपको सिर्फ पिस्टन ब्लॉक के अंदर ही रहना चाहिए कुछ इस तरह से। तो कभी भी अगर आप नेक्स्ट टाइम या आगे से कभी ब्लॉक खोलते हैं तो पिस्टन उसके अंदर ही रहना चाहिए। तो ये सबसे पहला सौभाग्य। दूसरी चीज़ और बतानी है जो शायद ही बहुत कम लोग बताते हैं कि अगर हमें हाइड्रोलिक बाहर निकालना है तो जो बोल्ट होता है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, अगर आप देख पाए, अगर हमें इस बोल्ट को खोलना है तो इस बोल्ट को खोलने के लिए क्या ट्रिक यूज़ करी जाती है या किस तरह ये बोल्ट को खोला जाएगा, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम दिखाएंगे कि वो बोल्ट को किस तरह से खोला जाएगा। तो उसके लिए एलन की है, एलन की कुछ इस तरीके से है, एक बार दिखा दीजिए एलन की, कुछ इस तरीके की छोटी एलन की बनानी पड़ती है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। और एक हाथ चाहिए जो पतला हाथ हो और उसको इसके अंदर डालना है इस तरीके से कुछ, और थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वो आप अपने हिसाब से कर लें। अगर आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना स्कीप कर सकते हैं। देखिए एलन की कुछ इस तरीके से अंदर फंस जाएगी यहाँ अंदर की साइड में, उसके बाद उसको आराम से खोल देंगे इधर की साइड को। मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए अब जैसे घूम गया, अब ये छोटी एलन की उसको आराम से धीरे धीरे खोल देंगे। तो एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ, बस ये चीज़ बतानी थी आपको कि किस तरीके से खोली जाती है। इतनी बड़ी एलन की बनाएं आप, मतलब ये हिस्सा थोड़ा और बड़ा भी बना सकते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, या इतनी बड़ी एलन की बिल्कुल फिट रहती है। अब ये इस तरीके से जाके ऐसे निकल जाए। तो जब बोल्ट पूरा खुलने वाला हो तो एक बार का मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि कपड़े को अच्छे से सील पैक कर दें, क्योंकि अगर बोल्ट गलती से अंदर गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं आपके लिए। तो एक बार बोल्ट बाहर निकाल के दिखाएंगे भाई साहब। अब मेरे हाथ क्या थोड़े से ज़्यादा चौड़े हैं तो वो अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत करते हैं। ये दोनों चीज़ें अभी अब लास्ट में निकालनी है वो पिन। अब वो पिन निकालने का मैं एक ऐसा जुगाड़ देता हूँ कि आपको मतलब प्लायर बनाना पड़ेगा, या फिर जो जुगाड़ मैं दिखाता हूँ वो सिंपल है कि मतलब बहुत ही कम खर्चे पे वो चीज़ बन जाएगी। तो ये कुछ जुगाड़ इस तरीके से बना रखा है, जो हमारे टायर के अंदर तिल्ली लगती है ना, उसका जो निप्पल है उसको एक तिल्ली के ऊपर वेल्डिंग करा दो और उसको कुछ इस तरीके से डालना है। इस तरह डाल के हल्का सा टेढ़ा करना है किड़, और उसको बाहर की तरफ को खींचना है। जब ये आधा पिन बाहर निकल जाए उसके बाद आपको प्लास पकड़ना है, और प्लास से कुछ इस तरीके से पिन को बाहर निकाल देना है। ये है वो पिन। तो ये है पहली पिन, अब मैं दिखाता हूँ वो दूसरा। तो सबसे पहले हमें ये कपड़े को बाहर निकाल देना है, और कोशिश करनी है कि अंदर गंदगी ना रहे, और उसके बाद आराम से किक मारना है इसके अंदर, दिखाइए सर। फिर उसके बाद जैसी हाइड्रोलिक ऊपर की साइड को आएगा ये, तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक बाहर ऊपर की साइड आ गया है। अब नॉक प्लास को लेके इस तरह यूज करके ऊपर को उठा देना है। तो हमारा जो प्लायर है, प्लायर अच्छा होना चाहिए सबसे पहले। एक
एक बार मैं कोशिश करके देखूं। ओके तो कुछ इस तरीके से देखिए हाइड्रोलिक आपका बाहर आ जाएगा। तो सबसे मेन है कि आपका प्लायर अच्छा होना चाहिए, तब यहाँ आप हाइड्रोलिक को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा भी आराम से करना है ऊपर को, और उसको भी बाहर ले लेना कुछ इस तरीके से। तो शुरू में हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो, या अगर प्लायर अच्छा नहीं है तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर प्लायर अच्छा है तो आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद इसको सफाई कर लेते हैं, फिट करते हैं, और अभी हमें करना है दूसरा काम, आरएच कवर खोलना है। ये आरएच कवर खोलना है, तो एक बार आरएच कवर खोल कर जो पंप है उस पंप की कहानी देखते हैं कि पंप पर डालने के बाद प्रेशर तेज होता है या नहीं, या फिर वेस्ट ऑफ मनी है, क्या कहते हैं आप। अब देख लेते हैं आरएच कवर खोलते हैं। तो ये जो है सबसे पहले इसके अंदर एक पैकिंग है जो गलत डाल रखी है। ये पैकिंग हमेशा यूज करनी चाहिए था ओरिजिनल। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं जिस टाइम ये पैकिंग डालूंगा उस टाइम बताऊंगा कि इसके पीछे क्या रीजन है। ये पैकिंग हमेशा ओरिजिनल डालनी चाहिए। लोकल पैकिंग 20 रुपए की होगी, वो 80 रुपए की, उसके पीछे रीजन है कि आखिर वो क्यों इतनी महंगी है। और इसके अंदर ओरिंग लगा है, ऐसा नहीं कि ओरिंग नहीं लगा हो। तो एक बार हम पूरा मैग्नेट खोल लेते हैं और पंप को बाहर निकालते हैं। तो फिलहाल अभी इतना खोल दिया है, अब मैं आपको कुछ जरा मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। हमें जब भी ऑयल पंप बाहर निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें मैग्नेट खोलना पड़ेगा, और इसके जो प्लेट होती है टाइमिंग गियर के ऊपर से जो एक प्लेट लगी रहती है ना, उस प्लेट को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर एक बोल्ट है, वो बोल्ट तभी खुल पाएगा जब यहाँ पर ये जगह खाली रहेगी। और वो प्लेट कुछ इस तरह, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, वो प्लेट यहाँ से कवर होती है। तो अभी जो हमारे पास गियर है, ये हमारा पंप हो गया, और ये जो पुराना गियर होता था ये वाइट वाला रहता था, अभी आपको शायद पीला नज़र आएगा, और ये जो गियर है ये ब्लैक है। इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये पहले पीला या वाइट क्यों था, अभी ब्लैक क्यों है। सबसे पहले मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये हमारा ऑयल पंप जो BS3 का कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं BS3 के और BS4 के पंप में क्या दिख, मतलब क्या चेंज है। तो ये है BS4 का पंप, ये है BS3 का। तो बाहर से देखने में इतना कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये जो लेंथ है इसकी, ये थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत फर्क आपको नज़र आएगा। यहाँ से आपको दोनों के इस पार्ट के अंदर थोड़ा सा फर्क आएगा, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको और ये थोड़ा सा कम। तो एक बार आपको इसे को, तो एक बार आपको इसको खोल के दिखाएंगे कि इसके अंदर जो पंप काम करता है वो कितना बड़ा है, और इसके अंदर जो है वो कितना बड़ा है। तो सबसे पहले एक बार जो इसका पुराना BS3 वाला ऑयल पंप है इसको खोल कर आपको दिखा देते हैं कि इसकी जो अंदर की गरारी है, या कह रहे हैं ये चीज़, ये इतनी बड़ी है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये वाला पॉइंट होता है, इसके अंदर से तेल अंदर आता है, इस जगह से तेल अंदर आता है और ऊपर की साइड, मतलब यहाँ से आएगा जस्ट ऊपर से होकर बाहर चला जाता है। और ये है हमारा BS4 वाला।
जिसकी हाइट थोड़ा सा बड़ी है। वाओ, तो इसके अंदर जो है ये चीज इसकी काफी बड़ी है, बस यही खेल है सारा। देख सकते हैं अंदर एक रोलर होता है ये, जो अपने इधर साइड एक खांचा नजर आएगा उसके अंदर ये ऐसे बैठ गया। उसका ये है, और ये हमारा ये बैठ गया, और ये इस तरह काम करो। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ फिट कर चुके हैं, अब देखते हैं कि आखिर ऑयल की सप्लाई बढ़ती है या खाली कहने की बातें। तो फिलहाल ऑयल तो आना चालू हो चुका है, भी कुछ फर्क है। क्या कहेंगे आप, फर्क है नहीं, फिर वो पूरे में फैल जाएगा अगर हमने तेल एक्सीलेटर लिया ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम जब हमने चेक किया था तो बिना एक्सीलेटर लिए चेक किया था। नहीं अभी नया तेल है ना, हाँ हल्का सा भी एक्सीलेटर लेंगे। रियल में बताऊं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ फर्क पड़ा है जी, नहीं वो नए तेल की वजह से बाहर जल्दी फैल रहा हो। क्या कहते हैं आप, काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है ना। मे भी हो सकता है जो BS4 गाड़ी हो उसके लिए अकॉर्डिंग, मतलब उसके जो मे भी जो हो सकता है कि जो उसकी BS4 गाड़ी है उसके जो छेद होते हैं वो बड़े होंगे, तो शायद मे भी उसमें काम कर सकता है। पर अगर आपके पास BS3 है और उसके अंदर डालना चाहते हैं तो मेरे नए में वेस्ट ऑफ मनी है, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बस अच्छे से टाइम टू टाइम सर्विस करा के रखेंगे और ऑयल अच्छा डालेंगे तो गाड़ी की आवाज़ वैसी बढ़िया रहेगी। एक बार सब फिट करके देखते हैं कि इंजन का साउंड कुछ इम्प्रूवमेंट है, मतलब बढ़िया है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको फिट कर देते हैं पूरा। तो जी गाड़ी तो हो गई है कंप्लीट, रियल में बता रहा हूँ। और हंसने की बात यह है कि बंदे ने वीडियो देख के खुश हुआ कि भैया काम हो जाएगा मेरा, तो आज के बाद कभी आवाज़ नहीं आने वाली है। तो मैंने कहा बंदे से कहा कि यार रुक, तेरा काम तेरे सामने करेंगे, बिठाल के सब कुछ दिखाया उसको A to Z, उसके तरीके से काम किया, मतलब जो पॉसिबल रहता है बढ़िया बढ़िया तरीके से जो भी काम रहता है सब किया, और फाइनल में आवाज़ मतलब उसने जो उम्मीद लगाई थी ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इंजन में साउंड नहीं है अभी, नहीं क्योंकि हाइड्रोलिक नए डाल रखे हैं, पर उस बंदे को जो लगा था कि भैया तेल का प्रेशर इतना तेज़ हो जाएगा बाहर छटकेगा ये हो जाएगा, मे भी हो सकता है कि BS4 के अंदर हो सकता है, पर BS3 में काम नहीं किया है। अगर आप मतलब आपके पास गाड़ी है और डेबिट का इशू है तो मे भी कुछ और इशू हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ और इशू हो सकता है कि आपके डेबिट हाइड्रोलिक डेबिट ख़राब हो या जाली ख़राब हो जाती है ना जिससे ऑयल की सप्लाई अच्छे से काम नहीं करता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं कि आपने सीधे पंप पे डाल दिया भैया अब गाड़ी मेरी ओके हो गई है, तो खाली टाइम वेस्ट है, खाली पैसा जाएगा, मेरी नज़र में काम नहीं किया, मे भी सामने वाले की नज़र में काम कर जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।